देश में बेटी बचावा माटे अनेक कार्यक्रम योजवामां आवे छे। त्यारे सेलवास तालुकामां राष्ट्रना प्रधानमंत्री द्वारा शुरू करवामां आवेल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हेठळ सेलवासमां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोबाइल वान गामडे गामडे फरती कराई हती। सरकारनी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत बेटी बचाओ माटे दादरा अने नगर हवेली में एक मास सुधी सतत एक मोबाइल वान गामडे गामडे फरीने स्लाइड शो अने लघु नाटिका दर्शावीने लोकोने बेटी बचावा अने भ्रूण हत्या रोकवा माटे जागरूकता लावा माटे काम करशे। आजे आ मोबाइल वान ने सेलवास कलेक्टर द्वारा फ्लेग बताविने रवाना करवामां आवी हती। संघ प्रदेश सेलवासमां दर 1000 पुरुषोए महिलाओनी संख्या मात्र 926 होवानुं हालनું એક સર્વેક્ષણ બોલતું હોવાનું ખુદ મામલતદારે જણાવ્યું હતું। જો કે આજે સરકારની બેટી બચાવો મુહિમ દ્વારા દાદરા અને નગર હવેલીના અનેક ગામોમાં એક મોબાઈલ વાન એક મહિના સુધી ફરીને લોકોને ભ્રૂણ હત્યા ગર્ભ પરીક્ષણ ના કરાવવામાં જાગૃતતા લાવવા પ્રયાસો કરશે। અંતે માનનીય પ્રધાનમંત્રીજીને એક સ્કીમ લોન્ચ કરી છે બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ। બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ કા જો નારા હૈ વો इस बात के लिए लोगों में चेतना जागृत करना है कि बेटियों की जो घटती हुई जनसंख्या है उसके जो सेक्स का अनुपात है उसको ठीक करना है। और वो आप जानते हैं कि क्यों होता है, क्योंकि ज़्यादा इसमें जिम्मेदार है आपकी जो अल्ट्रासाउंड और इस तरह की जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है, जिसकी वजह से गर्भ में ही लोग बच्चे के सेक्स के बारे में पता लगा लेते हैं और उसके बाद में उसका भ्रूण हत्या हो जाती है। उसको रोकने के लिए ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। उसमें बेटी पहले तो बचानी पड़ेगी भ्रूण हत्या से, उसके बाद में जब बेटी आ गई है तो उसको पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक बहुत सारे समाजों में बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता है। पढ़ाया जाता है तो अपने गांव में स्कूल है वहीं तक पढ़ाया जाता है, बाहर नहीं जाने दिया जाता है। तो ये सब उसके लिए दोनों स्कीम है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। उसके लिए मीडिया का आप सबका सहयोग चाहिए जिससे कि इसमें एक आंदोलन की तरह बन पाए। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन शुरू किया है जिसका कार्यक्रम हरियाणा से स्टार्ट होगा और पूरे डिस्ट्रिक्ट जहां भी सेक्स रेशियो कम है वहां पर मंत्रालय की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से ये मोबाइल वैन भेजी गई है। और ये मोबाइल वैन पूरे एक महीना दादरा नगर हवेली में रहेंगी और ये पूरे प्रस्तुति करेंगी, अपना वीडियो फिल्म दिखाएंगी जिसमें कि एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अवेयरनेस होगा। તેમજ ગ્રામ્ય કક્ષાના લોકોને સુગમ રીતે સમજાવી શકાય તે માટે આ મોબાઈલ વાનમાં ટીવી દ્વારા સ્લાઇડ શો અને લઘુ નાટિકાઓ પણ દર્શાવવામાં આવશે। આજે આ મોબાઈલ વાનને સેલવાસ કલેક્ટર જિલ્લા એસમીના ફ્લેગ બતાવીને રવાના કરી હતી। આ પ્રસંગે શિક્ષા વિભાગથી મિતાલીબેન નામચુમ, મામલતદાર નમ્રતા પરમાર, સ્વાસ્થ્ય વિભાગના તબીબ ડૉક્ટર દાસ, પશુપાલન વિભાગથી ડોક્ટર દુમરાલિયા તેમજ જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ શંકરભાઈ વાઘમારે, ઉપપ્રમુખ જીતુભાઈ માઢાના તેમજ મોટી સંખ્યામાં આંગણવાડી વર્કરો હાજર